देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ज्योति ब्रांड की स्लेट पेंसिल लेके आई हूँ। ये देखिए, ये ज्योति ब्रांड की स्लेट पेंसिल है। आपके गिव अवे ऑफ़र के लिए लेके आई हूँ मैं, ये देखिए। और मैंने शॉपकीपर से बात की, मैंने कहा ज्योति ब्रांड की स्लेट पेंसिल और सारे ब्रांड से महंगी क्यों होती है, तो शॉपकीपर ने सीधे सीधे बोला, मतलब उनका कहना ये था कि ये जो स्लेट पेंसिल है ये आजकल लिखने के लिए कम यूज़ होती है और खाने में ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई जो है स्लेट पेंसिल जो है खाने में यूज़ करता है। और ज्योति ब्रांड की जो स्लेट पेंसिल है ये और ब्रांड की स्लेट पेंसिल से थोड़ी फाइन क्वालिटी की होती है, इसलिए हम जो है ज्योति ब्रांड की स्लेट पेंसिल मंगाते हैं। और हमारी जो है शॉपकीपर से क्या वार्तालाप हुई ये भी मैं आपको जो है इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैं आपके गिव अवे ऑफ़र के लिए लेके आई हूँ, कितनी पतली पतली और फाइन स्लेट पेंसिलें ये आपको दिख रही होंगी। इसको हम लोगों की भाषा में बत्ती भी कहते हैं, बहुत लोग इसको बर्तली भी कहते हैं। तो मैं शॉपकीपर से हुई वार्तालाप भी आपको दिखाती हूँ साथ में इसी वीडियो में कि और ब्रांड्स की स्लेट पेंसिल थोड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन ज्योति ब्रांड की, मतलब ये समझ लीजिए कि 150 रुपीज़ का एक कार्टून होता है जिसमें लगभग 3 kg स्लेट पेंसिल होती है, मतलब 50 रुपीज़ किलो kg की ये स्लेट पेंसिल होती है। और उनके अनुसार ये सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है और ज़्यादातर बच्चे जो है जब लिखते हैं तो उसको मुंह में भी डाल लेते हैं, तो इसलिए जो है, और इससे जो है सबसे कम नुकसान होता है, इसलिए उन्होंने ये वाली ब्रांड खरीदते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे दिखाती हूँ मैं वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो देखिए आप। बोलिए नहीं, इतने का ये पूरा? कौन सा? ये पूरा कार्टून 150। 150 रुपये का है? महंगा बता रहे हैं आप। ये खोल के भी रखा है? नहीं, वो चूहों ने काट चूहों ने काट दिया होगा ये तो। इसमें रेट लिखा है 300 रुपये और एक पैकेट कितने का देते हैं? अच्छा, चाय आप कोई पूरी कोई पेटी लेता है 30 पैकेट की तो उसे हम 150 रुपये में देते हैं। ये तो 25 पैकेट होते होंगे इसमें? हाँ, इतने होंगे, 25-30 पैकेट होंगे। 25 हाँ, ये 150 रुपये का, ये एक 10 रुपये का पैकेट है। अच्छा, वैसे ये भी महंगा है 150 रुपये में। ग्वालियर वगैरह में सस्ता मिलता है? हम ग्वालियर नहीं जाते। हाँ नहीं, आपके मंदसौर तो यहाँ से पास है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का लफड़ा है ना। अच्छा, भाई ग्वालियर जाएगा तो माल कैसे आएगा? नहीं, बनता तो मंदसौर में है ना। मंदसौर, ये मंदसौर वाला भी राजगढ़ कैसे भेजेगा? अच्छा। भाई हमें तो खाली 2-3 पेटी चाहिए। अच्छा। तो 2-3 पेटी कैसे भेजेगा? वो कार से भेजेगा तो ये पेटी 1000 रुपये पड़ जाएगी उससे। ही है, फिर आप मंगाते कैसे हैं? इंदौर से मंगाते हैं। अच्छा, इंदौर वाले मंदसौर से मंगाते हैं फिर वो हमें देते हैं। अच्छा, ऐसा है। वो वहाँ से ट्रक भर के मंगाते हैं फिर हर दुकानदार को 2-3 पेटी देते हैं। अच्छा, हो जाती है। अब आप मंदसौर जाओ तो भले वहाँ से 2-4 पेटी भर लाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको। भाई पर्सनल तो ठीक है। हाँ। अब किसी को एक ही पैकेट चाहिए तो वो काहे को दो इतना दिमाग लगाएगा के 10 रुपये पैकेट। यहाँ पे भी तो बहुत दुकानें होंगी नहीं? हाँ, नहीं